21 ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होने लगता है, आपको इसका असर 10-15 दिन में दिखने लग जाता है। नंबर 2, ठंड में गाय के देसी घी से सिर की मालिश करनी चाहिए, इससे आपके बाल मजबूत और काले होंगे और बाल कभी नहीं झड़ेंगे। नंबर 3, रात के समय अगर आप पेशाब करने के लिए उठें तो 1 मिनट के लिए बिस्तर पर ही बैठे रहें और अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को थोड़ी देर हिलाएं, जिससे हमारा ब्लड हमारे ब्रेन और हार्ट तक आसानी से पहुंचे। नंबर 4, हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने वालों के खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे उनके खून के थक्के जमने लग जाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा टेंशन लेने वालों के हार्ट अटैक जल्द ही आता है। नंबर 5, जिन महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, खून की कमी, पैरों में सूजन और पेट संबंधी समस्या है, तो उनको ठंड के मौसम में धनिया के लड्डू बनाकर खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 6, रोज सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, यह शरीर से टॉक्सिन पदार्थ निकालने के लिए और पेट को साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, रात को तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख दें और सुबह उठने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। नंबर 8, अगर गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करें, आराम मिलेगा। नंबर 9, अगर छोटे बच्चों के दस्त या गैस की समस्या है तो बच्चों के पेट पर हींग का पेस्ट बनाकर लगा दें, इससे बच्चे को तुरंत आराम मिल जाएगा। नंबर 10, अगर बच्चा रात में सोता नहीं है तो उसको थोड़ा सा शहद चटा दें, इससे उसको अच्छी नींद आएगी। नंबर 11, पानी में गेहूं और चने को उबालकर वह पानी पी जाए और जो गेहूं और चने बचे हुए हैं उनको पीसकर रोटी बना लें और खा लें। ऐसा लगातार 1 महीने तक करने से आपकी पथरी की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 12, कच्ची गाजर को खाने से नेत्र रोग और हड्डियों के रोग में फ़ायदा मिलता है और गाजर खाने से चेहरे पर चमक आती है, साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नंबर 13, अगर आपकी पेशाब का कलर बदल रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बीमारी होने का संकेत है। नंबर 14, पूरे दिन में 5-5 मिनट करके 1 घंटे के लिए उकड़ू जरूर बैठें, इससे नसों में ब्लॉकेज ठीक रहते हैं, पेट संबंधित परेशानी भी दूर होती है और हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं और माइग्रेन, मोटापा, कमर दर्द, गैस की समस्या, इनसे राहत मिलती है। इसलिए दिन में 1 घंटा 5-5 मिनट के अंतराल में ज़रूर बैठें। नंबर 15, मलाई में नींबू का रस मिलाकर काले हाथ पैरों पर लगाने से सांवली त्वचा भी गोरी होने लगती है। नंबर 16, ठंड के मौसम में मूंगफली का सेवन करने से शरीर में गर्माहट रहती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और दिल भी स्वस्थ रहता है। नंबर 17, जो औरतें मेथी दाना का इस्तेमाल करती हैं वह जल्दी से बूढ़ी नहीं होती हैं। नंबर 18, गुलाब के फूल को चबाकर खाने से चेहरे पर निखार आता है और गुलाब के फूल का पेस्ट बनाकर होठों पर लगाने से होठ गुलाबी हो जाते हैं। नंबर 19, टमाटर में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा नर्म मुलायम बनता है, साथ ही चेहरे पर निखार आता है। नंबर 20, अगर आपके पाँव में मोच आ गई है तो पानी में नमक डालकर गर्म कर लें और उसमें कपड़ा डालकर मोच वाली जगह पर बांध लें, इससे मोच का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 21, जिन माँ को दूध कम आता है उनको मसूर की दाल का सेवन करना चाहिए। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है, अगर आपको कोई परेशानी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें फिर ये नियम अपनाएं।